इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं ललितपुर लाइव टीवी। इस वक्त ललितपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ललितपुर डायल 112 में तैनात पुलिस कर्मी की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। ये मामला ललितपुर जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ललितपुर के राजघाट रोड का है, जहाँ देर रात ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत राजघाट पुलिस चौकी में तैनात सिपाही कुलदीप सिंह चौहान अपनी बाइक से राजघाट वापस लौट रहे थे कि अचानक किसी अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी और वाहन मौके से फरार हो गया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रागीरों की मदद से उन्हें ललितपुर के जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें गर्भवती कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही ललितपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, शहर कोतवाली प्रभारी संजय कुमार शुक्ला सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर जिला अस्पताल पहुंचे। तो वही राजघाट पुलिस चौकी में तैनात मृतक सिपाही का नाम कुलदीप सिंह चौहान निवासी जिला जालौन बताया गया है। तो वही मृतक सिपाही के परिजनों को सूचना दे दी गई है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.